नाहन में भारतीय ट्रेड यूनियन ने मजदूरों की मांगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। यूनियन ने किसान व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक ज्ञापन डीसी सिरमौर के मार्फत देश के प्रधानमंत्री को भी भेजा है। ट्रेड यूनियनों से जुड़े लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से मजदूर विरोधी है और मजदूरों के हितों को लेकर सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। इनका कहना है कि मजदूर के लिए बने कानूनों को खत्म करने की कोशिश मौजूदा सरकार द्वारा की जा रही है। आरोप यह भी है कि सरकारी उपकरणों को सरकार द्वारा निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है, नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। इनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान जो पैसा मदद के नाम पर इकट्ठा किया गया था उसको आम लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं दिया जा रहा है। यूनियन का कहना है कि कोविड-19 के दौरान देश में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई मगर सरकार किसी भी तरह से गंभीर होती नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस मिलकर केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं जिसमें केंद्र सरकार तमाम सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है, सरकार ने जो मजदूरों के हित के जो 44 कानून थे उनको खत्म करने का काम इसमें किया है। कोविड-19 के चलते यहाँ पर 13 करोड़ से ज्यादा रोजगार हमारे देश के अंदर गए हैं। सरकार के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। सरकार ने जो कोविड मदद के नाम से पैसा इकट्ठा किया था, मोदी जी उस पैसे को जो है लोगों को नहीं दे रहे हैं। जो इससे प्रभावित लोग हैं उस पैसे को वो कहाँ दे रहे हैं वो बताएं, वो उसको जो है जनता के सामने लाएं। और आज जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस मुख्यतः इन चीजों को लेकर तो लंबे समय से लड़ती आ रही है, लेकिन हाल ही के अंदर जो केंद्र की सरकार ने किसानी को लेकर 3 अध्यादेश लाए हैं, किसान की आत्मा को खत्म किया है, मजदूरों को लेकर 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का जो फैसला लेकर वो आए हैं, वो फैसला लेकर आए हैं कि जो रेलवे, बीएसएनएल, बैंक, बिजली, जितना भी एयरलाइन, डिफेंस, फर्टिलाइजर, इसको जो है निजी कंपनियों को बेच दिया है, और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें क्योंकि वो डीरेगुलेट है उसको आज आसमान छू रही है, महंगाई जो है आसमान पर है, और कोविड-19 के चलते जो बेरोजगारी पैदा हुई है, जो 13 करोड़ से ज्यादा रोजगार भी थे वो भी बेरोजगार हुए हैं, सरकार उसकी सहायता नहीं कर रही है। इन मुद्दों को लेकर आज हम आए हैं और पूरे देश के अंदर तमाम ट्रेड यूनियंस, इंटक, एटक, सीआईटू, दूसरे संगठन सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं, और अगर सरकार इससे जो है क्या कहते हैं इस पर कोई बात करने नहीं आती तो आने वाले 25 तारीख को जो है भारत बंद के अंदर भी जो है हमारा केंद्रीय ट्रेड यूनियन का पूरा जो है इसके अंदर आंदोलन में भागीदारी रहेगी।